मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक हुजूर बुराक पे गए। मस्जिद अक्सा से पहले आसमान तक नूर की सीढ़ी पे गए। पहले आसमान से लेकर के सातवें आसमान तक फरिश्तों के परों पे गए। सातवें आसमान से लेकर सिदरा तक जिब्रील अमीन के परों पे गए। सिदरा से लेकर जहां तक अल्लाह ने चाहा रफ रफ सब्ज नूरी तख्त पे गए। ये पांच मराहल थे, मुकम्मल हो गए। और आज हमें खुशी क्यों ना हो, आज की शब मेरे और आपके आका और मौला वहां तक पहुंचे हैं जहां किसी का ख्याल भी नहीं पहुंच सकता। कोई फलक ते रह यार गया, कोई जा सिदरा ते हार गया, एक कालियां जुल्फां वाला सी जड़ा अरश तो भी लंग पार गया। इतना उरूज कायनात में हुजूर अलैहि सलाम से पहले ना कभी किसी को मिला, ना हुजूर के बाद किसी को मिला। वो बुलंदियां, वो रिफातें, वो वसअतें, वो शान व शौकत, वो इज्जत, वो अजमत, वो रिफअत उनका मकसूम हुआ जो उन्हीं का ही हिस्सा है। और अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने इतना नवाजा कि कोई कमी बाकी नहीं रही। और हुजूर के सदके से इस उम्मत को भी नवाज दिया गया, बख्शिश का वादा देकर इस उम्मत के लिए 50 नमाजों का तोहफा देके, जो बाद में सिमट के 5 रह गई, और ख़वाती में सूरा बकरा अता करके इस उम्मत के दर्दों का दरमा किया और इन्हें सुकून और करार की दौलत नसीब फरमाई। किताब रहमत कुरान मजीद इस वाक़या को बहुत शान व शौकत के साथ बयान किया है कि वो ज़ात पाक है जिसने अपने अब्दे खास को, अब्दे मुकर्रम को रात के मुख्तसर हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद खास तक, मस्जिद अक्सा तक सैर कराई ताकि वो अपने अब्दे खास को, अपने बंदाए खास को अपनी कुदरत की निशानियां दिखाए। वो मस्जिद अक्सा जिसके अतराफ में रहमतें बरसती हैं, अनवार उतरते हैं और बरकात का नुजूल होता है, और फिर मस्जिद अक्सा से लेकर आसमान तक और आसमान से सिदरा तक और सिदरा से जहां तक मेरे रब ने चाहा अपने महबूब को सैर कराई और कुदरत के निशानात दिखाए, जन्नत की सैर करवाई, हुजूर ने दोजख का मुलाहजा किया, मस्जिद अक्सा में नबियों की इमामत करवाई, बैतुल मामूर में अल्लाह के महबूब की जलवा गरी हुई, अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकातें हुई, और सबसे बढ़कर अल्लाह ने अपने महबूब को अपना दीदार अता फरमाया। अब इस सुरात के साथ जिस तेजी के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए कि रात का मुख्तसर हिस्सा था, कलील वक्त में हुजूर गए भी हैं और आए भी हैं, और ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था लोगों के लिए, खरे और खोटे की पहचान होनी थी, लोगों के ईमान का इम्तिहान था, और कुफार ने इस पे बहुत सारी बातें की, और उनके मानने में यह भी नहीं आता था कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक कैसे गए। अबू जहल ने गली गली जाके प्रोपेगंडा किया कि हमारा कौन सा मस्जिद अक्सा में आना जाना नहीं है, तो एक महीना जाते हुए लगता है, एक महीना आते हुए लगता है, तो छू के भी आना हो तो 2 माह चाहिए। और ये रात के मुख्तसर वक्फे में
वहां से होकर आने की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे हम तस्लीम करें, ये बातें कैसे मान लें। तो वो मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक्सा तक हुजूर अलैहिस्सलाम के जाने और आने को नहीं मानते थे, और मानने वालों ने कहा सरे अर्श भी गए हैं और वापस आए हैं, हम इसे भी मानते हैं। अबू जहल ने गली गली जाके कहा और उसने ये समझा कि ये मेरे हाथ एक चीज आ गई है जिससे मैं लोगों को हुजूर से दूर कर सकूं, और वो पूछता फिरता था बताओ ये बात मानने में आती है। अचानक हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला से मुलाकात हो गई, तो कहा अबू बकर तुम ही बताओ, अगर कोई कहे कि रात के मुख्तसर हिस्से में गया भी हूं और पलट के भी आया हूं तो यह बात मानने में आती है, तो फरमाया बिल्कुल मानने में नहीं आती, छू के भी आना हो तो दो माँ चाहिए। समझा लोहा गर्म हो गया, अब चोट पूरे टिकाने पर बैठेगी, तो कहने लगा कि फिर जिनका कलमा तुम पढ़ते हो उन्होंने ये दावा किया है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि वो इससे भी अजीब करे तो मैं वो भी मानने को तैयार, वो तो आसमान की खबरें देते हैं हम वो भी मानते हैं। तो मोहब्बत वालों के लिए, ईमान वालों के लिए तो ये काबिल ताज्जुब नहीं है। कुरान बताता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे तख्ते बल्कीस चाहिए, तो एक जिन खड़ा हो गया, हजरत ये खिदमत मैं सर अंजाम देता हूं, कब तक लेकर आओगे? उसने कहा दोपहर तक ले आऊंगा, मतलब बर्खास्त होने से पहले पहले तख्त हाजिर कर दूंगा। और वो कोई डबिया नहीं थी कि जेब में डाल के ले आनी हो, वो तख्त इतना बड़ा था कि 60 हाथ चौड़ा था, 80 हाथ लंबा था और कई हाथ मोटा था, 7 कोठरियों में मुकफ्फल था, पहरेदार खड़े थे, एक महीने की मसाफत पे था। उसको जेब में भी डाल के लाना हो तो फिर भी दो माह चाहिए, लेकिन वो इतना बड़ा तख्त उसको वहां से लाना कोई तमाशा लबे बाम तो नहीं था, लेकिन जिन ने कहा हजरत मैं मजलस बर्खास्त होने से पहले पहले वो तख्त हाजिर कर देता हूं। कुरान ने सारी तफसील सूरह अन-नमल में बयान की। अब कितनी बड़ी पेशकश थी, लेकिन हजरत सुलेमान ने कहा नहीं मुझे इससे भी पहले चाहिए। फिर वो उठा जिसके सीने में किताबुल्लाह का इल्म था, काल अल्लज़ी इंदहू इल्मुम मिनल किताब। मुफस्सरीन ने उनका नाम आसिफ बिन बरखिया बताया है जो हजरत सुलेमान का सहाबी था, उसने कहा हजरत मैं ये सादत अपने जुम्मे लेना चाहता हूं, आपको अगर जल्दी चाहिए तो मैं ले आता हूं। तो आपने फरमाया वो तो दोपहर तक का टाइम दे रहा, बताओ तुम कब लाओगे? तो वो शख्स जो जबूर का आलिम था और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी था, वो बोला आना आती का बेही कबला यर्तद्दा इलैका तरफुक, हुजूर आप आंख बाद में झपकेंगे तख्त पहले हाजिर होगा। और हजरत सुलेमान ने अभी आंख झपकी नहीं थी, तख्त सामने पड़ा हुआ था, बेसाख्ता पुकारा हाजा मिन फदल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है कि जिसने मेरे मानने वाले को ये रूहानी ताकत और तवानाई नसीब कर दी। मैं आपसे कहता हूं कि हजरत सुलेमान के उम्मती की ये शान है कि एक महीने की मुसाफत पर पड़ा हुआ तख्त आंख झपकने से पहले हाजिर कर देता है, और खुद सुलेमान मुक्तदी बन के मस्जिद अक्सा में जिस इमाम के पीछे खड़े हों उस इमाम की शान का आलम क्या होगा, उनकी रिफतों का आलम क्या होगा। तो ये एक इम्तिहान है मेराज, और मेरे और आपके आका और मौला की अजमतों को मानने वालों ने कहा कि ये बाईद नहीं है, अल्लाह अपने महबूब अलैहिस्सलाम को जहां चाहे जितने वक्त में चाहे ले जा भी सकता है, और अल्लाह की दी हुई ताकत से महबूब वापस पलट के आ भी सकते हैं। लोगों ने यह कहा कि जिस्म
इतनी सुरात के साथ अगर महवे सफर हो तो तहलील हो जाए तो मियां तख्त सुलेमान तहलील नहीं हुआ और ये हजरत सुलेमान के मुक्तदी की तख्त बल्कीस जो है वो तहलील नहीं हुआ और ये हजरत सुलेमान के मुक्तदी की रूहानी कुव्वतों का करिश्मा है। तो जब उनके मुक्तदी की कुव्वतों का ये करिश्मा है तो उनके इमाम की ताकतों का आलम क्या होगा और रिफतों का आलम क्या होगा। बाकी ये दावा मेरे रब का है, सुभान अल्लज़ी असरा बेअब्दे, वो जात पाक है जिसने अपने अब्दे खास को सैर कराई। और फिर दुनिया वर्ता हैरत में है कि इतने मुख्तसर हिस्से में, इतने कलील वक्त में कैसे गए और कैसे पलट के आए। और मेरे रब ने कहा कि सुन लो, ये मेरे महबूब का सफर नहीं है, ये मेरे महबूब की सैर है। सुभान अल्लज़ी असरा, ये मेरे महबूब का सफर नहीं है, ये मेरे महबूब की सैर है। और आप जानते हैं सफर और सैर में फर्क, सफर तेजी के साथ किया जाता है। मैं अब जो फासला तय करके आया हूं तो अगर मैं सैर की गरज से यहां आता तो मुझे 2 घंटे लगते, और अगर मैं गाड़ी पे भी आता तो फिर भी मुझे कम से कम 1.5 घंटा चाहिए था, लेकिन मैं 15-20 मिनट में यहां पहुंचने की कोशिश की है। क्योंकि मेरी निगाह में एक हक था कि मैंने दिए गए वक्त के मुताबिक यहां पहुंचना है, वो तो बाहर बेतहाशा रश ना होता तो मैं वक्त से 5 मिनट पहले ही पहुंच पाता। तो मैं दाएं बाएं से बेनियाज होके अपनी मंजिल पे निगाहें गाड़े हुए सरपट दौड़ रहा था और यहां तक आ पहुंचा। लेकिन सैर जो होती है उसमें हर मंजर पे रुका जाता है, ठहरा जाता है, कोई नजारा हो तो उससे लुत्फंदोज हुआ जाता है। अब इतनी सुरात के साथ गए और वापस पलट के आए, मेरा रब कहता है ये मेरे महबूब का सफर नहीं था, ये मेरे महबूब की सैर थी। क्या समझोगे मेरे महबूब को जिसकी सैर तुम्हारी समझ में नहीं आती, अगर वो सफर करे तो फिर कैसे समझोगे। ये तो अभी सैर है और तुम वर्ता हैरत में हो, कैसे गए कैसे आए। अकल वाले कहते हैं कि जमीन, सतह जमीन से लेकर 44 मील तक हवा है, उसके बाद कुर्राए खला है, फिर कुर्राए जमहरीर है, फिर कुर्राए नार है, फिर आसमान में खिरको इल्तियाम मुमकिन नहीं, जिस्म का सऊद मुमकिन नहीं है, आसमान में दरवाजे नहीं हैं, आसमान टूट नहीं सकता, फट नहीं सकता, तो कैसे कोई आसमान से गुजर सकता है, तो कैसे चले गए। हम कहते हैं कि हजरत आदम मां हजरत हव्वा के कैसे आए, ये रुकावटें उनके रास्ते में भी तो थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा अकीदा है कि वो फांसी नहीं दिए गए, सूली नहीं चढ़ाए गए, बल्कि अल्लाह ने उनको आसमान पे उठा लिया, तो ये रुकावटें तो उनके रास्ते में भी आई होंगी, तो वो कैसे चले गए। जब हजरत ईसा जा सकते हैं, हजरत आदम आ सकते हैं, तो मेरा नबी जा भी सकता है, मेरा नबी आ भी सकता है। फर्क यह है अभी तक जो गया है पलट के आया नहीं, जो आया है अभी तक पलट के गया नहीं। मेरे नबी गए भी हैं, मेरे नबी आए भी। सी राज मेराज मुहब्बतां दा, नहीं सी किसे दी समझ विच आण वाला, सदिया तालिब ते गया मतलूब होते, जिब्राइल सी सद लै जाण वाला, बाजे आखते बिन दरवाजियां तो किवें पहुंचिया अरश ते जाण वाला, अबर अकल नूं इत्थे दखल किए जाने जाण वाला या लै जाण वाला। ये मेरे रब का दावा है, अपने महबूब को सैर मैंने करवाई। तो कायनात में जिन रिफातों तक, जिन बुलंदियों तक मेरे हुजूर पहुंचे। अच्छा, सैर करवाई क्यों? तो कहा कि मैं अपने अजायब कुदरत की निशानियां अपने अब्दे खास को, अब्दे मुनीब को, अब्दे मुख्तार को, अब्दे मुकर्रम को दिखाना चाहता हूं। और फिर अल्लाह जल्ला शानहू ने अपने महबूब को
इतनी निशानियां दिखाई जिनका ताल्लुक देखने से भी था, जिनका ताल्लुक विजदान से भी था, मासूसात से भी था, सुनने से भी था। कभी हुजूर अलैहिस्सलाम जन्नत की खुशबू सूंघते हैं, नजारों की वादी देखते हैं और जन्नत के महल्लात को हुजूर मुलाहजा फरमाते हैं, और कभी दोजख के अंदर अजाबों में मुबतला लोगों को हुजूर अलैहिस्सलाम देखते हैं और फिर अपनी उम्मत को बयान भी फरमाया ताकि वो उन आमाले बद से बच जाएं जो जहन्नम में ले जाने का सबब और जरिया है। आज की शबे खास में मैं और आप अपनी जिंदगियों पे गौर करें और हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो जो हमें खबरें दी हैं उनको देखें और कोई ऐसी कोताही कहीं हमारे आमाल में तो नहीं है, अगर है तो उसको अपने से दूर करके एक नई जिंदगी का आज से आगाज करें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने कुछ लोगों को देखा कि पत्थरों से उनके सर कुचले जा रहे हैं और पत्थरों से कुचलने की वजह से उन लोगों के सर कीमे की तरह हो जाते, कूट दिए जाते हैं पत्थरों से लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर सही हो जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा उनके सर कुचले जाते हैं। तो मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं, तो कहा कि ये वो लोग हैं कि जिनके सर नमाज की वजह से बोझल रहते थे, नमाज जिनको बड़ी भारी लगती थी। कई लोगों को नमाज का कहें तो वो 100 बहाने करते हैं और एक बहाना तो हर बेनमाजी करता है, मेरे कपड़े पाक नहीं है। मेरे वालदे गिरामी फरमाया करते थे तेरे कपड़े कैसे पाक हो सकते हैं जब तू अल्लाह के हुजूर झुकना नहीं जानता, जब उसके हुजूर झुकना सीख जाएगा तेरा लिबास भी पाक हो जाएगा, तेरा बदन भी पाक हो जाएगा, तेरा तन भी पाक हो जाएगा, तेरा मन भी पाक हो जाएगा। तो 100 बहाने तो इनके सर नमाज की वजह से बोझल हो जाते, अजान की आवाज सुनते और फिर दोबारा सरहाने पे सर डाल देते और उठने की हिम्मत ना पड़ती। हैया अलस्सला हैया अलल फला की दिल फरेब सदाएं कानों में पड़ती, तो इनके सर नमाज की वजह से बोझल होते थे और आज इनके सर पत्थरों से कूटे जा रहे हैं। इस पूरे इज्तिमा में जो इस ग्राउंड के किनारों तक है और बाहर गली में भी इस लाउड स्पीकर के जरिए से बाजार में भी सड़क पर भी आवाजें पहुंच रही होंगी, तो आप सब और मैं गौर करें कि हमारी जिंदगी में कहीं नमाज से कोताही तो नहीं है। और ये भी सुन लीजिए कि ये मेराज का तोहफा खास है जो हुजूर लेकर आए। मेराज की शब जब हुजूर वहां पहुंचे जब किसी का तसव्वुर भी नहीं पहुंच सकता, तो अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को जो अता किया उसमें खवाती में सूरा बकरा थी, सूरा बकरा की आखिरी आयात अता की गई, उम्मत के साथ बख्शिश का वादा किया गया अगर वो शिरक नहीं करती। और जो सबसे अहम शय वो ये कि 50 नमाजों का तोहफा दिया गया, आका करीम अलैहिस्सलाम 50 नमाजों का हदिया और तोहफा लेकर के वापस पलटे, छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि मैं बनी इसराइल का तजुर्बा रखता हूं और उम्मतों का गहरा तजुर्बा रखने की वजह से मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आप अल्लाह की बारगाह में जाइए और नमाजों में तख़फीफ की दरख्वास्त पेश कीजिए, ये 50 नमाजें नहीं पढ़ पाएंगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पे हुजूर दोबारा बारगाह इज़्ज़ती में हाजिर हुए और अर्ज की तो 5 नमाजों की रुख्सत हो गई, 45 रह गई। तो वापस पलटे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि ये 45 भी नहीं पढ़ सकेंगे, आप अल्लाह की बारगाह में दोबारा तख़फीफ की दरख्वास्त पेश कीजिए। तो हुजूर दोबारा जाते, फिर आए, फिर उन्होंने कहा, 9 मरतबा वापस भेजा और 50 से 5 नमाजें रह गई। जब 5 नमाजें लेके हुजूर वापस आ रहे थे तो हजरत मूसा फिर मिले और उन्होंने एक बार फिर कहा एक बार और जाइए। अब आदत बारी क्या है, हर बार दरखास्त करने से 5 नमाजों की रुख्सत मिलती है, अब रह ही 5 गई हैं, तो आदत बारी के मुताबिक अब ये 5 भी माफ हो जाएंगी। तो हुजूर ने फरमाया मुझे रब से शर्म आती, रब से हया आती।
उम्मत से तवक्को की कि ये उम्मत इतनी नकम्मी तो नहीं है कि पांच नमाजें भी ना पढ़े। तो मेरे और आपसे ये हमारे आका मौला की तवक्को थी कि हम पांच नमाजें अदा करें और ये पांच नमाजें हमें सवाब 50 का ही अता करेंगे। ला तब्दील अले कलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें तब्दील नहीं होती। बज़ाहर यहां 9 मरतबा तब्दीली आई है लेकिन अल्लाह ने एक ज़ाब्ता दिया, मन जा बिल हसनत फालहू अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करे 10 का सवाब देता हूं, पढ़ोगे 5 सवाब 50 का ही अता करूंगा। चूंकि अल्लाह की बातें तब्दील नहीं होती, तो ये पांच नमाजें तोहफाए मेराज हैं जो हुजूर लेकर के आए हैं। इसीलिए अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन कहा गया कि मेराज अहले ईमान के लिए, नमाज अहले ईमान के लिए मेराज है। हुजूर का मेराज तो ये कि रुखे मालिक से पर्दे उठे और दीदारे इलाही किया और वहां तक पहुंचे जहां किसी का तसव्वुर भी नहीं पहुंच सकता। लेकिन इस उम्मत के लिए मेराज ये है कि जब वो पेशानी सजदे में रख के सुभान रब्बी अल आला कहती है, इतनी रहमतें बरसती हैं कि अगर लोगों को पता चल जाए कि हम जब सजदे में होते हैं तो कितनी रहमतें बरसती हैं, तो वो सजदे से सारी ना उठाएं, इतनी रहमतों का नज़ूल होता है। इसलिए इस उम्मत का मेराज यह है कि ये पंच गाना नमाज शियारे जिंदगी बना ले, कभी भी नमाज कजा ना होने दे, अपनी जिंदगी में नमाजों को इस तरह शामिल करे कि नमाज का वक्त आए तो बेचैनी हो के नमाज की अदायगी हो और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करने लग जाएं। मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया, मुझे तुम्हारी दुनिया से सिर्फ 3 चीजें पसंद है। हुब्बे बाइलैया मिन दुनियाकुम सलास, तुम्हारी दुनिया से सिर्फ 3 चीजें पसंद है, खुशबू, पाकीजा औरतें और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई। हुजूर नमाज को आंखों की ठंडक करार दें और फरमाया बिलाल हबशी को जब अजान के लिए कहते तो ये फरमाते, अरे ना या बिलाल, बिलाल उठो और हमारे सीने को राहत पहुंचा दो। तो नमाज से हुजूर के कल्ब को, हुजूर के सीने को राहत पहुंचती थी। मैं और आप जितने लोग यहां आए हैं और जिस हुजूम के साथ, जिस शौक के साथ, जिस वलवले के साथ और जिस मोहब्बत के साथ आए हैं, यकीनन आप और मैं हुजूर को राजी करने आए हैं, अपने रब को राजी करने आए हैं, आकाए दो आलम की रिजा के हुसूल के लिए हम आए हैं। तो हुजूर की रिजा के तालिब बन के आज के इस इज्तिमा में आने वालों, अगर तुम चाहते हो कि हुजूर हमसे राजी हो जाएं, तो अगर बदकिस्मती से कोई बेनमाजी है तो आज अजम करके जाए कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़ूंगा, अल्लाह के रसूल राजी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। चूंकि हुजूर ने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक करार दिया है, अपने दिल का करार नमाज को करार दिया, अरेहना या बिलाल, बिलाल हमें राहत पहुंचा दो अजान दे के, तो ये हुजूर के लिए राहत का सबब था। तो पंच गाना नमाज शियारे जिंदगी रखें और जिन्हें नमाज नसीब है वो ये समझें कि नमाज मेराजुल मोमिनीन है, तो फिर हमें सजदे में इसकी लज्जत क्यों नसीब नहीं होती। तो वो अपने ख्यालात को काबू में करें, अपनी नमाज में यक्सु हो जाएं, पड़े सजदे में हो और खड़े दुकान पे हो तो फिर सजदा सुरूर बख्श नहीं होगा, फिर कयाम लज्जत आफरी नहीं होगा। तो अपनी नमाज को इस कदर यक्सु कर लो कि जब तुम सजदे में हो, कयाम में हो, रुकू में हो, तो सजदे कयाम और रुकू की लज्जत तुम्हें हासिल हो रही हो, तो फिर मेराज की लज्जतें तुम्हें नमाज में नसीब होंगी और करार नसीब होगा। तो कहा, मैंने कुछ लोगों को देखा कि उनके सर कूटे जा रहे हैं और मैंने पूछा ये कौन लोग हैं, तो कहा ये वो लोग हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ा करते थे, जिनके सर नमाज से बोझल रहते थे। फिर कुछ लोगों को देखा मेराज की शब, फरमाते हैं कि उनके आगे और पीछे चीथड़े बंधे हुए हैं और वो कांटेदार झाड़ियां थोहर खा रहे हैं, कड़वी झाड़ियां खा रहे हैं और गरम पत्थर चाट रहे हैं और खा रहे हैं। तो मैंने पूछा कि ये कौन बदनसीब लोग हैं, तो कहा ये वो लोग हैं जो अपने माल का सदका नहीं दिया करते थे, माल की जकात ना अदा करने वाले,
سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے اور اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہوں گے. اور پھر فرمایا میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوئے ہیں. ہنڈیا کے اندر اچھے تازہ اور خوشبودار معقولات موجود ہیں لیکن وہ ان کو نہیں لے رہے بلکہ بدبودار سڑا ہوا گوشت کہیں پڑا ہے اور وہ اس کو اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں. تو مجھے حیرت ہوئی تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون بد نصیب لوگ ہیں کہ ان کے سامنے بھنا ہوا تازہ گوشت موجود ہے, خوشبودار گوشت موجود ہے, لیکن یہ اس بدبودار اور متعفن میں ہاتھ مار رہے ہیں. تو کہا یہ آپ کی امت کے وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کو پاک طاہر اور پاکیزہ بیویاں میسر تھیں لیکن اس کے باوجود وہ ناپاک عورتوں کے بستروں پہ راتیں بسر کرتے تھے. دور موجود کے اندر برائی اور بدی تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے اور جدید ذرائع ابلاغ نے جس میں سوشل میڈیا پیش پیش ہے آنکھوں سے حیا تو چھین ہی لیا ہے, خیالوں کی پاکیزگی تو چھین ہی لی ہے, عصمت کے جوہر پر اتنی تیزی سے یہ آلات حملہ آور ہیں کہ اپنی نئی نسلوں کو بچانا اور ان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولادوں پر گہری نظر رکھیں اور ان کی حفاظت کریں, چونکہ اگر عصمت کا جوہر محفوظ نہ رہا تو پھر پلے کچھ بھی نہیں رہا, اگر آبرو سلامت نہیں رہی تو پھر پلے کچھ بھی نہیں رہا. قیامت کے دن ان لوگوں کو اس صورت کے اندر لایا جائے گا کہ وہ یہ غلیظ کھانے کھا رہے ہوں گے اور ذلت اور رسوائی کی وہ زندگی ان کو سہنا پڑے گی اور اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہونا پڑے گا. اپنی خلوت کو اور اپنی جلوت کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرو اور اللہ کی رضا اپنا مقصود زندگی بنا لو. وہ آنکھ جو غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتی ہے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھر دی جائے. اپنے خیالوں کو بھی پاکیزہ کرو, اپنی سوچوں کو بھی پاکیزہ کرو اور اپنی زندگی کی ایک ایک ساتھ کو اپنے مالک کے حضور پیش کرو اور اللہ سے توفیق مانگو خیر کی اور برکت اور رحمت کی. جب انسان کی نگاہ پاک نہیں رہتی تو خیال پراگندہ ہوتے ہیں, خیالات کی ناپاکیزگی اس کی عصمت کے جوہر پہ حملہ آور ہوتی ہے اور شیطان کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کوئی نوجوان اپنی عصمت اور اپنی آبرو کو داؤ پہ لگا دے. تو دور موجود کے اندر یہ فتنہ تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس میں ہماری معاشرت کی ناہمواریاں اور جدید ذرائع ابلاغ اور قرب قیامت کی وجہ سے فتنوں کا آسمان سے بارش کی طرح برسنا ہے. لیکن جو اپنے آپ کو بچا لے وہی سرخرو ہوگا, جو نہیں بچا پائے گا وہ اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لے گا. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں, آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں. دو روایات ہیں, لوہے کی کینچیوں سے اور آگ کی کینچیوں سے. تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا حضور یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں, جو کہا کرتے تھے ان کا اپنا وہ عمل نہیں ہوا کرتا تھا. لوگوں کے اندر فتنہ اور فساد پپا کرنے والے لوگ, جن کی زبان کی تلخیاں معاشروں کے اندر تفریق پیدا کرتی ہیں, بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے, میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دیتے ہیں, نفرت کی چنگاریاں ان کی زبان اگلتی ہے اور ان کے لہجے لوگوں کے اندر تفریق, تشدد, افتراق اور فرقہ بندیاں پیدا کرتے ہیں, تو ایسے لوگ قیامت کے دن ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دی جائیں گی, جس کی صورت اللہ کے محبوب پہلے ہی ملاحظہ فرما چکے. تو بدترین اس امت کے لوگ بھی علماء ہیں اور بہترین اس امت کے لوگ بھی علماء ہیں. فتنہ انہی سے شروع ہوتا ہے اور انہی میں پلٹتا ہے.
इनके पास बैठने से खैर मिलती है अगर वो खैर की राहों के मुसाफिर हों, और अगर ये तबका खराब हो जाए और शर पे उतर आ जाए, शर पे उतर आए, तो फिर सबसे ज्यादा शर भी इन्हीं के दामन से फूटती है। इनकी जुबान जब जहर उगलने लगे और इनके लफ्ज शोले बन जाएं, तो मुआशरे भस्म होकर रह जाते हैं और मुआशरे जल के खाशाक हो जाते हैं। इसलिए खास तौर पे इस तबके को अपना हमेशा मुहासबा करने की जरूरत है कि हमारे अमल से, हमारे रवैये से, तर्ज जिंदगी से, हमारी गुफ्तगू से, हमारे किसी लहजे से किसी के लिए तफरीक, तशद्दुद, इफ्तराक और लड़ाई पैदा ना हो। तो ये बात बहुत ही अहम है जो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने एक मंजर देखा कि एक सुराख है, उससे एक बैल निकलता है, निकलने के बाद दोबारा घुसने की कोशिश करता है लेकिन घुस नहीं पाता। तो मैंने जिब्रील से पूछा कि ये क्या माजरा है, तो जिब्रील ने कहा कि हुजूर, ये उन लोगों की मिसाल बयान की है जो जुबान से बड़ा बोल निकाल देते हैं और फिर दोबारा उसको लेना चाहते हैं तो फिर वो वापसी नहीं हो सकती। बाज़कात आप कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे फितना फैलना शुरू हो जाता है, जिससे शर फैलना शुरू हो जाती है, जिससे मुआशरे के अंदर तशद्दुद और इफ्तराक पैदा होना शुरू हो जाता है, जिससे लोग आपस में उलझ पड़ते हैं। तो आप आराम से जुबान से कोई जुमला निकाल देते हैं लेकिन बाद में उसको वापस लेना चाहें लेकिन वो शर फैल चुकी होती है। तो इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने हमें यह कहा है कि बोलने से पहले 100 मरतबा बात को तोल लो, गौर कर लो, फिक्र कर लो। कमान से तीर ना निकला हो, आपके पास इख्तियार होता है कि जब चाहो उसको फेंक लो, लेकिन जब आप कमान से तीर छोड़ चुके हो तो फिर आपका इख्तियार खत्म हो जाता है। फिर वो जख्मी करे, किसी की मौत का सबब बने या वो तीर जाया चला जाए, फिर तुम्हारा इख्तियार नहीं होता। तो बोलने से कबल जरूर सोचो कि मेरी जुबान से निकला हुआ कोई जुमला इस मुआशरे पर क्या असर पैदा करेगा, और जब जुबान से जुमला निकल गया तो फिर आपके इख्तियार में नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है, इस वक्त हर बंदा जो जुबान में आए बोल देता है। हर बंदे को इस वक्त बोलने की जो लत है, और आजकल तो वो सोशल मीडिया के ऊपर जो मन में आया तन्हाई में वो लिख दिया और लिख के मुआशरे के अंदर, लोगों के अंदर वो चीज वायरल कर दी, जिस तरह की तस्वीर चाहा डाल दी, लेकिन फिर बाद में वो आपके इख्तियार में चीज नहीं रहती है। बल्कि अब तो इतने बख्शीस और इतने नीच फितरत के लोग भी सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं। किसी जमाने के अंदर जो गंदे मिजाज के लोग होते थे वो वॉशरूम के अंदर बैठ करके छुप के अपने खुब से बातन का इजहार करते थे और वॉशरूम की दीवारों के ऊपर जो उनके मन में गलाजत होती वो लिख दिया करते थे। पब्लिक वॉशरूम्स के अंदर ऐसे मनाजर आपने भी देखे होंगे कि इंसानियत का सर शर्म से झुक जाता है, ऐसे छोटी सोच के लोग वहां बैठ करके जो है वो लिख दिया करते थे। अब वही लोग, उनको एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मिल गया है और वो यहां अपने बंद कमरे में जो चाहें लिख के उसके ऊपर डाल दें और उसकी शर और उसका फसाद और उसकी गलाजत, उसकी गंदगी के छींटे कहां कहां तक पहुंचते हैं, उनको इससे गरज नहीं होती। तो एक एक हरफ जो जुबान से निकलता है, तुम्हारा कलम से निकला हुआ एक एक जुमला, उसका हिसाब होना है कयामत के दिन। एक एक चीज के बारे में पूछा जाएगा। और आज अगर तुम सोशल मीडिया पे कोई बात छोड़ते हो या किसी मजमा आम के अंदर कोई बात करते हो या तन्हाई के अंदर कोई बात करते हो और फिर उसकी शर फैलती है, तो वो शर तो फिर सफर करती रहेगी। तुम अब वो जुमले कहने छोड़ भी दो, तुम अपना वो अकाउंट बंद भी कर दो, लेकिन वो शर, वो गलाजत, वो गंदगी, वो छींटे जो उड़े थे वो आगे बढ़ते रहेंगे और उसका गुना तुम्हारे नामा अमाल में, तुम्हारे खाते में दर्ज होता रहेगा। हत्ता कि तुम मर भी गए तो फिर भी तुम्हारे नामा अमाल के अंदर वो सब कुछ उतरता रहेगा। इसलिए अपने आप को मोहतात करने की जरूरत है और अपने एक एक लम्हे को महफूज करने की जरूरत है। अपने वक्त को कीमती जानो, अपनी जुबान को खोलने से कबल 100 बार सोचो कि जो मैं लफ्ज कह रहा हूं
वो क्या मुझे कहना चाहिए या नहीं। मेरे और आपके आका और मौला ने फरमाया, जो अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान रखता है वो खैर की बात कहे वरना चुप रहे। उसका चुप रहना उसके लिए बेहतर है, और अगर वो कहना चाहता है तो वो खैर की बात कहे। तो फरमाया मैंने वहां बैल निकलते हुए देखा और फिर दोबारा घुसना चाहता है तो घुस नहीं पाता। तो कहा जिब्रील ने कि ये वो बोल है जो जुबान से निकाला जा चुका है, अब दोबारा जुबान में इसको दाखिल नहीं किया जा सकता। और मुख्तलिफ सूरतें हुजूर ने देखी, लोगों को अजाबों के अंदर मुबतला देखा, लोगों को तकलीफों के अंदर मुबतला देखा, किसी को खून की नहर के अंदर गोते खाते देखा, किसी के पेट के अंदर सांप देखे। और जिब्रील से पूछा तो जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये सूद खोर है, या रसूल अल्लाह ये हराम खाने वाला है, ये फलां जुर्म का मुर्तकिब शख्स है। तो वो सूरतें हुजूर अलैहिस्सलाम को दिखाई गई और वो मनाजर हुजूर को दिखाए गए। और दूसरी जानब जन्नत में हुजूर ने उन खुश नसीब लोगों को भी देखा कि जिनकी नेकियों की वजह से वो अल्लाह की रहमतों के हिसार में है। एक शख्स को देखा जो नूर अर्श में डूबा हुआ है और वो नूर ही नूर में है, अल्लाह अकबर। तो जिब्रील से हुजूर ने पूछा ये कौन शख्स है, तो जिब्रील अमीन ने उसकी तीन खूबियां बयान की। उनमें से एक खूबी ये थी कि वो अपने वालदेन का फरमा बरदार। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेराज की शब बहुत नजारे देखे, जन्नत दोज़ख को मुशाहदा किया। हुजूर ने अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकातें की, पहले आसमान पे हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देखा, दूसरे आसमान पे दीगर हत्ता के सातवें आसमान तक मुख्तलिफ नबियों को देखा। और फिर उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम सातों आसमानों से गुजरते हुए जब सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे तो जिब्रील अमीन ने कहा कि हुजूर अब इससे आगे मैं नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर। फिर सब्ज नूरी तख्त आया जिस पे हुजूर जलवा फिराज हुए, रफ रफ नामी उस तख्त पे हुजूर बैठे। फिर हुजूर वहां तक पहुंचे जहां किसी का ख्याल भी नहीं पहुंच सकता। खिरद से कह दो कि सर झुका ले, गुमां से गुजरे गुजरने वाले, यहां खुद पड़े हैं जिहत को लाले, कोई क्या बताए किधर गए थे, सुराखे ऐनो मता कहां था, नशाने कैफो इला कहां था, न कोई साथी न कोई राही, न संगे मंजल न मरहले थे, कमाने इमकां के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहित की चाल से पूछो किधर से आए किधर गए थे, कोई हद है उनके उरूज की, बला गल ओलाबे कमाले। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते रहे तो रब्बी फी आहसन सूरा। अल्लाह अकबर। सबसे बड़ी दौलत जो हुजूर ने मुलाहजा की, सबसे बड़ा नूर जो हुजूर ने देखा, सबसे बड़ी कुदरत की निशानी जो हुजूर ने देखी वो ये था कि हुजूर ने सर की आंखों से अपने रब का दीदार किया। नूर ही नूर, उजाले ही उजाले, रोशनियां ही रोशनियां। अल्लाह अकबर। खुद बुलाया महबूब को और अपना जलवा दिखाया। एक कोहे तूर पे खुद चल के जाते हैं, रब्बे आरेनी अंजुर इलई, मालिक मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो जवाब क्या मिलता है, लन तरानी, ए मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते। और एक उम्मे हानी के घर लेटे हैं और चादर ओढ़ के इस्तराहत कर रहे हैं, जिब्रील जाके हाजिर होके अर्ज गुजार होते हैं, इन्नल्लाह हश्ता का इला लिकाए का या रसूलल्लाह, महबूब आप लेटे हो, आपका रब आपका दीदार करना चाह रहा। तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को जेबा है बेनियाजी, कहीं पे वो जोश लंतरानी कहीं तकाजे विसाल के थे। एक कोहे तूर पे खुद चल के जाता है और दीदार की तलब करता है, मालिक मैं तुझे देखना चाहता हूं। जवाब क्या मिलता है, लंतरानी, ए मूसा तुम नहीं देख सकते। पहम असरार होता है बार बार, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। उलमा ने लिखा जब ये कह दिया गया तुम नहीं देख सकते तो फिर तकाजा क्यों था, कहा इसलिए कि रब का कलाम सुना था, इसलिए तड़प थी, जिसके कलाम में इतना लुत्फ है दीदार का मजा क्या होगा। तो कहा था मालिक मैं तुझे देखना चाहता, अच्छा अगर मुझे देखना चाहते उन्जुर इलल जबल, इस पहाड़ को देखो, अगर ये अपनी जगह पे खड़ा रहा तो तुम मुझे देख लोगे। अल्लाह ने अपनी रोयत को इस्तिकरारे जबल के साथ मुअल्लक कर दिया। अल्लामा सादुद्दीन तफ्तजानी अलैह रहमा ने शरा कायदे नस्फिया में इस पे गुफ्तगू की है कि मुमकिन के साथ मुअल्लक भी मुमकिन होता है।
गोया अल्लाह का दीदार मुमकिन है। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने कहा कि इस पहाड़ को देखो, ये अगर अपनी जगह ठहरा रहा तो तुम मुझे देख लोगे। ये अलग बात है कि वो पहाड़ ठहर ना सका, अल्लाह के जलवों की ताब ना ला सका। अल्लाह ताला ने उस पहाड़ पे जब अपनी तजल्ला का नजूल किया, और वो भी तजल्लाए जाती नहीं थी, तजल्लाए सफाती, और उसका भी अक्स परतो जिल और साया उस पहाड़ पे डाला, और पहाड़ उस जलवे की ताब नहीं ला सका, तूर जलने लगा। खर्रा मूसा सायका, कुरान बताता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोशी की कैफियत में जमीन पर तशरीफ फरमा हो गए। अल्लाह अकबर। उसके बाद जब होश में आए तो हजरत मूसा अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार है, मालिक मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूं, मैंने तकाजा ही क्यों किया। अल्लाह अकबर। जलवों की ताब नहीं ला सके, और वो तजल्लाए जाती भी नहीं थी, तजल्लाए सिफाती थी, और वो भी तजल्लाए सिफाती का अक्स था, साया था, और वो भी पहाड़ पे पड़ा, पहाड़ से मुनअक़िस होके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे आया, लेकिन ताब नहीं ला सके। लेकिन अल्लाह के दीदार का सुरमा तो आंखों में लग गया था, एक झलक तो पड़ी थी। इमाम हलबी ने लिखा है कि इसके बाद हजरत मूसा की निगाहों का आलम यह था कि काली रात के अंधेरे में काले पत्थर पर काले रंग की चींटी को 9 फरासख दूर से, एक फरसख 3 मील का होता है, 27 मील दूर से, तकरीबन 50 किलोमीटर दूर से काले रंग की चींटी को काले पत्थर पर काली रात के अंधेरे में चलता हुआ देख भी लेते थे, उसके कदमों की आहट को सुन भी लेते थे। ये अल्लाह का कलाम सुनने की वजह से कानों में ये समात आ गई, और अल्लाह का दीदार करने की वजह से आंखों में ये तवानाई आ गई कि 50 किलोमीटर दूर काली रात के अंधेरे में, शबे दैजूर की जुल्मतों में काले रंग की चींटी को चलता हुआ देखते भी, उसके कदमों की सरसराहट को सुनते भी, ये उसकी नजर का कमाल है जिसने तजल्लाए सिफाती का परतो पहाड़ पे पड़ते हुए देखा और ताब ना ला सका, और जो जाती तजल्लियों में गुम रहा और आंख भी नहीं झपकता, उस मोहम्मद अरबी की निगाहों का आलम क्या होगा, उनकी नजरों का आलम क्या होगा। इसीलिए फरमाया, जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देखते, जो मैं सुनता हूं वो तुम नहीं सुनते। तो तजल्लाए सिफाती का परतो पड़ा हो तो नजर इतनी तेज हो जाए, और तजल्लाए जाती का अक्स जिसने देखा, तजल्लाए जाती के जलवों में जो गुम रहा हो, तो उसकी निगाहों का आलम क्या है। अल्लाह अकबर। यहां तो खर्रा मूसा सायका है, वहां क्या है, मा ज़ाग़ल बसर व मा तगा, आंख ना ही तो चुंधियाई और ना हद अदब से मुतजावज हुई। कैसी आंख है, जब जलवाए महबूब देखा तो आंख चुंधियाई भी नहीं। आप सूरज को देखें और वो दोपहर पर हो और जो है वो पूरे जलाल पर हो, तो आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं, आप देख नहीं पाते, आंखों में पानी उतर आता है। अब ये आंखें कैसी थी कि जब जलवाए जमाले खुदा देखा तो खुदा कह रहा है, रब कह रहा है, माज़ागल बसरो, कैसी आंखें हैं कि जो चुंधियाई नहीं है, वमा तगा, और हद अजब से अदब से मुतजावज भी नहीं हुई है। दुनिया पर ऐसा होता है, किसी मंजर को कोई नजर देखे तो नजर मंजर की तारीफ करती है ना, कोई नजारा देखे तो नाजर तारीफ करता है ना, वाह वाह कैसा नजारा था, कैसा मंजर था। दुनिया के ऊपर यही होता आया है, लोग जाते हैं गुलजारों को, पहाड़ों को, कोसारों को, वादियों को देखने के लिए, तो वापस पलटते हैं तो कहते हैं क्या मंजर था यार, पहाड़ों पे जमी हुई बर्फ, फूटते झरने, बहती नदियां, क्या मंजर था, क्या खूबसूरत दरख्त थे, और दरख्तों के ऊपर क्या कुदरत के जमाल के रंग थे। इकबाल भी एक मंजर देखकर आए तो वापस किसी ने पूछा क्या देखा वहां, तो उन्होंने कहा मन खुदारा आंजा दीदम बेहिजाब, मैंने उसके जलवे वहां बेनकाब देखे। तो जब कोई नाजर किसी मंजर को देखता है तो नाजर मंजर की तारीफ करता है कि वाह वाह कैसा मंजर था, आंखों से हटता ही नहीं है। यह पहली मर्तबा दुनिया में ऐसा हुआ कि नाजर ने मंजर को देखा तो मंजर कहने लगा वाह कैसी आंख है, जो ना चुंधियाती है ना हद अदब से गुजरती। ये पहली बार ऐसा हुआ, मा ज़ाग़ल बसर व मा तगा,
तो महबूब करीम ने अल्लाह अकबर, अगर ये कहा जाए कि हुजूर की रूह ने मेराज किया था, ये ख्वाब देखी थी, तो ये आयत इसकी दलील है कि जब ख्वाब देखी जाती है तो ये आंखें बंद होती हैं। ख्वाब ख्याल से देखी जाती है, वो एक ख्याल है जो परवाज करता है, उसका असर, उसका ताल्लुक दिमाग से होता है। और अगर रूह का देखना हो तो वो रूह भी आंखों से नहीं देखती, इन आंखों से, उसकी रूह की अपनी आंखें हैं। तो जब आंखों का जिक्र किया कि आंख चुंधियाई नहीं और अदब ही नहीं, तो महबूब पता चला कि जो जलवा देखा था वो ख्वाब में नहीं देखा था, वो इस आंख ने देखा था। जो जलवा देखा था वो आंख ने देखा था, इसीलिए तो बात आंख पे हो रही है। मा जागल बसरो व मा तगा, आंख चुंधियाई नहीं, हद अदब से गुजरी नहीं, तो मालूम हुआ कि जो देखा था वो आंख ने देखा है, इसीलिए तो आंख की बात हो रही है। और फिर एक और बात सुनो, आगे कुरान कहता है मा कज़ब अल फुआदु मा रा, जो आंख ने देखा दिल ने उसकी तकजीब नहीं की। यानी जब आंख ने वो जलवा देखा तो आंख ने दिल से पूछा कि ये वही है, क्योंकि दिल में तो वो पहले ही रहता था, दिल में तो बसेरे पहले ही थे, दिल में तो पहले ही थे। देखो, किसी ने किसी को ना देखा हो और वो किसी के साथ उसको देखने जाए, तो जिसके साथ वो देखने गया उसने देखा हो तो उसको लगे कि ये वही है, तो वो उससे पूछता है जनाब ये वही है, तो उसने देखा हो तो वो तस्दीक कर देता, और अगर उसने भी ना देखा हो तो फिर उसे कोई पूछता भी नहीं, क्योंकि हम भाई एक जैसे हैं, तुमने भी नहीं देखा मैंने भी नहीं देखा। तो जब किसी ने पहले देखा हुआ हो तो फिर दूसरा उसको पूछता है हाँ वही है, वो कहता है हाँ हाँ वही है, और वो ये तब कह सकता है कि उसने पहले देखा हो, जब जमाल इलाही को निगाह मुस्तफा ने देखा तो निगाह ने दिल से पूछा ये वही है, ये वही है जो दिल में दर्द बन के रहता है, ये वही है। मा कज़ब अल फुआदु मा रहा, कुरान बताता है जब फिर जब आंख ने पूछा ना दिल से, तो दिल ने तकजीब नहीं की, दिल ने कहा हाँ ये वही है। अब यहां एक जुमला कहता हूं और मेरी तकरीर यहां इख्तिताम को भी पहुंच जाएगी, तो ये आपके लिए काफी कवि गजा होगी और रूह को सरशार रखेगी, और वो ये कि जो दिल में रहता हो वो आंखों के सामने आए, इसे तो मेराज कहते हैं। जो दिल में बसता हो वो आंखों के सामने आ जाए, इसे ही तो मेराज कहते हैं। इसलिए दिल ने तो पहले ही देखा था, दिल में तो वो पहले ही रहता था, आज शब जो है वो आंख ने देखा, तो आंख जो है वो तड़प के दिल से पूछती है वही है, अल्लाह अकबर। तो फिर आंख ने जब पूछा तो दिल ने मा कज़ब अल फुआद, दिल ने तकजीब नहीं की बल्कि दिल ने तस्दीक की, अल्लाह अकबर। कुरान कहता है अफा तुमारू ना हूं अला मा यरा, तुम बहस कर रहे हो, लड़ रहे हो, उलझ रहे हो आपस में इस पर के जो उसने देखा, तुम देखने पे उलझ रहे हो। वाला कदरा हो नजलतन उखरा, जो फिर उसने दो बार देखा, तुम एक बार की बात कर रहे हो, उसने दो बार देखा, अल्लाह अकबर। मा कज़ब अल फुआदु मा रहा, आंख कैसी है, हद अदब से आगे नहीं गुजरती, चुंधियाती भी नहीं है, बात सारी आंख की हो रही है, तो फिर बात ख्वाब की कहां आ गई, आंख की बात हो रही है, आंख ही दिल से पूछ रही है, तो बार बार आंख की बात हो रही है, आंख ने देखा, आंख ने देखा। अच्छा, सिर्फ देखा ही कोई बात नहीं हुई, अल्लाह अकबर, सिर्फ देखा ही कोई बात नहीं हुई। कुरान से पूछते हैं, सूरह नजम उठाते हैं, फाओहा इला अब्दिही मा ओहा, कहां बातें भी हुई थी, अल्लाह अकबर। अब सारी तवज्जो इधर होगी, क्या बात हुई, एलामिया क्या जारी हुआ, ये मरकजी नुक्ता है ना, मुलाकात हुई है, अब कान खड़े हो गए, फिर कोई बात भी हुई, जवाब आया हां हुई, फाओहा, हां बात हुई, फाओहा इला अब्दिही, उसने अपने बंदे से कोई बात की, अब समाते रुक गई, सांसें भी रुक गई, अब सुने तो सही क्या बात हुई, अब सुनो क्या बात हुई, और इस बात पे बात ही खत्म है। क्या लफ्ज हैं और क्या कुरान का उसलूब है, कुरान तो वाकई अल्लाह का कलाम है। फिर जरा सुनिए, सुनिए जरा क्या मंजर है, लुत्फ क्या है कि मुलाकात हुई, मुलाकात को कुरान बयान कर रहा है, आंख झपकी नहीं है,
बात कुरान बता रहा है, आंख न झपकी है न हद अदब से आगे गुजरी है। यहां एक और बात अर्ज करना चाहूंगा, हद अदब से आगे नहीं गुजरी, हद अदब से मुतजावज नहीं हुई। तो ये जुमला बताता है, ये जिब्रील से मुलाकात की बात नहीं बताई जा रही, ये रब से मुलाकात की बात बताई जा रही है। ये हद अदब की जो बात है, इस बात को समझें। फिर कहा, आंख ने पूछा दिल से, दिल ने कहा ये वही है। अल्लाह अकबर, आगे बढ़े। अब बात भी कोई हुई, कहा फाओहा इला अब्दिही, उसने अपने बंदे से कोई बात की थी, कोई वही कहते हैं, इशारा सरिया खफिया, सरगोशी जिसे कहते हैं, किसी के कान में कोई बात करना। तो कहा फिर उसने अपने बंदे से कोई बात भी की, कान खड़े हो गए, समातें रुक गई, सांसें रुक गई, क्या बात हुई? जवाब आया, मा औहा, तुम्हें क्या लगे जो भी हुई, करने वाले ने की, सुनने वाले ने सुनी। फाओहा इला अब्दे, उसने अपने अब्दे खास से फिर कोई बात की, कान रुके, जवाब आया, मा औहा, जो भी हुई, जो भी हुई, करने वाला जाने या सुनने वाला जाने, सी राज मेराज मुहब्बतां दा, नहीं किसे दी समझ विच आन वाला, सदिया तालिब ते ग्या मतलूब होते, जिब्राईल सी सद ले जान वाला, बाजे आखदे बिन दरवाजियां तो किवें पहुंचिया अरश ते जान वाला, अबर अकल नू इत्थे दखल किए, जाने जान वाला या ले जान वाला। तो कहा जो भी बात हुई वो हुई, हुई जरूर, अल्लाह अकबर, लेकिन इतना समझ लो, जो भी बात हुई उसमें गुनाहगारों की बख्शिश का पैकेज जरूर था, उसमें गुनाहगारों की बख्शिश की कहानी जरूर है। ये बात अच्छी तरह समझ लो, इसलिए तुम खुशियां मना रहे हो, इसीलिए तुम्हारे चेहरे खिले हैं मेराज की शब, कि आज की शब रब से महबूब ने जो बात की है उसमें गुनाहगारों की निजात की जमानत अपने रब से ली है। अल्लाह अकबर। तो वो शाने अता की, वो रिफाते नसीब हुई, वो बुलंदियां नसीब हुई जो किसी और का मकसूम नहीं है। एक शब का महफले मेराज किया, सारी जिंदगी उनके नाम पर दरूद पढ़ते रहे, उनके दीन के लिए अपने आप को वक्फ कर दें और एक एक सांस उनके नाम कर दें, हक के शुक्र फिर भी अदा ना हो, इसलिए कि हमारी बख्शिश की जमानत उसी दहलीज से हुई, उसी चौखट से हुई। ये सारे उजाले, ये सारी रोशनियां कायनात के अंदर जो आपको दिखाई देती हैं,